हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? आपको मिठाई खाना अच्छा लगता है ना? जब घर में कोई त्यौहार होता है, बर्थडे होता है, तो खूब सारी मिठाइयाँ हम घर में भी बनाते हैं और बाज़ार से भी लेकर के आते हैं। जैसे बाज़ार से हम डिब्बों में रसगुल्ले, रस मलाई, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। फिर हम सब मिठाइयों को खा जाते हैं। अब हमारे पास डिब्बे खाली पड़े रहते हैं। हम उन डिब्बों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो बच्चों, हमको उन डिब्बों को डस्टबिन में नहीं फेंकना है। हमें उनसे कुछ फ्लावर पॉट या सामान रखने के लिए डिब्बे पेंट करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ फ्लावर पॉट तैयार करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे घर में कुछ इस तरह के प्लास्टिक से बने हुए डिब्बे होते हैं, जिनमें रसगुल्ले, रस मलाई आदि सामान से हम बाज़ार से लेकर के आते हैं। अब खाली होने के बाद हम इन डिब्बों को या तो फेंक देते हैं या हम ऐसे भी उपयोग में ले आते हैं। लेकिन हम इनको कुछ रंगों से सजा करके और अच्छा बना सकते हैं। तो इन डिब्बों पर हम जो दरवाजों आदि पर पेंट होता है उससे भी काम कर सकते हैं, नहीं तो हम स्केच कलर से भी इसको सजा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पेंसिल या स्केच पेन से, जैसे देखिए मैंने इसमें ये फूल पत्तियां बनाई हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं उस तरह से ये ऐसे करके फूलों को बना लेंगे। आप देखिए, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से जैसे भी आप आकार के फूल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। देखिए मैंने इसमें कुछ फूलों को बनाया है, ये इसकी पत्तियां बनी हैं, ये देखिए, और यहाँ पर एक ये गुड़िया बनाई है, ये देखो। इस तरह से हम बहुत सारे फूल पत्तियों को बना सकते हैं। अब बच्चों, हमें इनको रंगना कैसे है? देखिए, ये हमारे पास रंग बिरंगे कोई से भी स्केच कलर हो सकते हैं। अब हमने इसको, जैसे ये फूल है, इस फूल में हमें कलर करना है, तो इसको हम देखिए इस तरह से रंग सकते हैं। इसे हम स्केच कलर, वाटर कलर या खिड़की दरवाजों वाले पेंट जो होते हैं उससे रंग सकते हैं। बच्चों, जो इस खिड़की दरवाजे वाले रंग होते हैं ना, उससे ये है कि वो पानी से ख़राब नहीं होंगे। अगर हम स्केच कलर से करते हैं तो इसको हम गीला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी से गीला करने पर ये रंग उतर जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हमें इसको गीला नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फूल बन जाता है, और इसके बीच में हम यहाँ पर ये काला रंग भी भर सकते हैं। फिर इसकी जो आउटलाइन है इसको हम और थोड़ा डार्क मोटे वाले मार्कर से इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये आपका ये फूल तैयार हो गया। अब इसकी शाखाओं को बनाने के लिए, डंडियों को बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम इसमें ये ब्राउन कलर कर देते हैं, भूरा रंग, देख रहे हैं ना? ये देखिए, और
इनकी पत्तियों में हम ये हरा रंग भरेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए इस तरह से इसकी ये देखिए पत्ती बन गई इसकी। इधर देखिए इसमें भी आप यहाँ पे हल्का हरा भी भर सकते हैं। देखिए दिख रहा है, ये देखिए कहीं पर हम डार्क कलर का ग्रीन कलर भर सकते हैं, कहीं पर लाइट ग्रीन भर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है आप उसको किन रंगों से सजाना चाह रहे हैं। है ना, अब जैसे ही इसमें एक दूसरा फूल है इसको भी हम यहाँ पर किसी दूसरे कलर रंग से सजा देते हैं। पहले बच्चों जो हम कलर भरना शुरू करते हैं तो जो भी फूल पत्ती होती है उसके आसपास जो है हम पहले किनारी को कर लेते हैं, फिर बीच में रंग भरना शुरू करते हैं। इससे है कि हमारा फूल पत्ती के बाहर की तरफ रंग नहीं फैलता है। इसमें भी यहाँ पर देखिए, तो इसी तरह से आप बच्चों जैसे ही मैंने इसमें रंग भरा है पूरे जो हमने सारा डिज़ाइन किया है इसको आप अच्छे रंगों से सजा देंगे। अब बच्चों देखो मैंने इसी तरह से मेरे पास ये कुछ खाली डिब्बे इस तरह के भी रखे हुए थे, इनको भी देखो इस तरह से रंगों से मैंने इनको सजाया है। देखिए आप भी इस तरह से रंगों से सजा सकते हैं। फिर इसी तरह से एक डिब्बा मेरे पास ये भी रखा हुआ था, देखो इसको भी मैंने रंगों से सजाया है। देखिए अब इसमें ढक्कन लगा हुआ है, आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। और बच्चों इसी तरह से जो हमारे डिब्बे हैं इनको देखो मैंने ये फ्लावर पॉट भी बनाया है। देखिए इसमें कुछ देखिए ये जो इसमें जो रंग भरे हैं ये खिड़की दरवाजों में जो रंग होते हैं उन्हीं रंगों से मैंने इनको बना दिया है। और ये प्लास्टिक की बॉटल है उन्हीं से हमने फूल पत्तियाँ बनानी सीखी थी, उसी फूलों को बना करके इसमें मैंने इसको एक पॉट तैयार कर दिया है। बच्चों आप देख रहे हैं एक सामने ये देखिए
ये एक, इसको भी बच्चों हमने प्लास्टिक के डिब्बों से ही बनाया है। इसमें देखिए हमारे पास चार पांच प्लास्टिक के डिब्बे हैं, एक ये लगा हुआ है, फिर ऊपर ये है, तीन चार पांच, इस तरह से हमारे पास पांच डिब्बे हैं। इसके ऊपर मैंने कपड़ों से इसको सजा दिया है और बीच में अंदर तार से जोड़ करके इसको बनाया है। तो ये भी हमारे जैसे ये डिब्बे थे मिठाई वाले, इन्हीं डिब्बों से को जोड़ करके बनाया है। तो आप भी इस तरह से कुछ बना सकते हैं। एक फ्लावर पॉट बच्चों ये भी है, इसमें हमने तीन डिब्बों को जोड़ दिया है, एक डॉल बन गई। और इसमें मैंने आर्टिफिशियल फूल लगाए हैं, आप इसमें जो ओरिजिनल फूल होते हैं मिट्टी डाल करके इसमें दूसरे पौधों को भी आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें एक ये छोटा डिब्बा है, फिर ऊपर लगा है, और इस तरह से इसके मुंह को बना करके हमने जोड़ दिया है। ये इसमें लिली के फूल बने हैं, ये भी प्लास्टिक की बोतल से ही बने हैं। तो बच्चों आप इस तरह से एक डिब्बा ये है बच्चों, ये भी देखिए, देखिए बच्चे हमने आज कितने सारे डिब्बों को तैयार किया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको डिब्बों को सजाना अच्छा लगेगा और हमारे ये डिब्बे उपयोगी भी बन जाएंगे। अब हम अपने मिठाई के डिब्बों को कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, इनसे हम सुंदर सुंदर इस तरह के कुछ फ्लावर पॉट को तैयार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर नई गतिविधि के साथ मिलते हैं।